नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा गरीब नहीं रहता है, एक ना एक दिन गरीब भी अमीर बन जाता है और अमीर भी कभी ना कभी गरीब बन ही जाता है। ऐसा चमत्कार तभी हो पाता है जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर होती है। दोस्तों, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, माता लक्ष्मी अपने आप अपनी कृपा उस पर कर देती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के अर्धांगनी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का दुख दूर करने का उपाय बता गए हैं। इस उपाय को करने से कोई भी गरीब बहुत जल्द अमीर बन जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सरसों के तेल को जो इंसान 101 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे उसके जड़ में डालता है और सिंदूर के साथ अरवा चावल अर्पित करने के बाद सुबह सुबह पत्नी के नींद से जागने के पहले उसके नाभि में सरसों का तेल 11 बूंद डालता है, तो माता लक्ष्मी उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का नाभि सभी अंगों में सबसे ज्यादा पवित्र होता है, क्योंकि औरत की नाभि में सभी देवी देवता का वास होता है। जो मर्द अपनी औरत के नाभि में 101 शनिवार तक सरसों का तेल डालता है और हर शुक्रवार को शाम को तुलसी के पौधे के जड़ में सरसों तेल डालता है, तो फिर उस इंसान को कोई अमीर बनने से नहीं रोक सकता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी कहती हैं, जो कोई भी तुलसी के पौधे में सरसों के तेल डालता है, उस इंसान के ऊपर समस्त देवी देवता की कृपा होती है। इस उपाय को करने वाले लाखों लोग आज अमीर बन चुके हैं। आप चाहे तो आप भी बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिख दें। माता लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए।